नमस्कार, सुरागिला न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर आते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नशा लघु चर्चा का हुआ आयोजन। एसपी कार्यालय में आयोजित किया गया जन जागरूकता कार्यक्रम। एक व्यक्ति को विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा। नगर निगम की टीम ने चलाया अतिक्रमण अभियान। काशीपुर में भारी बारिश से लगातार हो रहा है जलभराव। उपजिलाधिकारी कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन। पुलिस ने 5 नशेड़ियों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर में नशा उन्मूलन समिति द्वारा महाविद्यालय में एक लघु चर्चा का आयोजन किया गया। इस चर्चा में सर्वप्रथम नवीन अवेसी द्वारा छात्राओं को पीपीटी के माध्यम से युवाओं में बढ़ती नशे की लत व उसके दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। इसके साथ ही कुछ छात्राओं ने नशा मुक्त भारत बनाने हेतु अपने विचार व्यक्त किए एवं अपने नए सुझाव भी दिए। काशीपुर अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस दौरान फायर स्टेशन प्रभारी चंदन बिस्ट ने आगजनी होने पर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए विस्तार रूप से बताया। आपको बता दें कि काशीपुर एसपी अभय प्रताप सिंह ने खुद फायर एक्सटिंग्यूशर से आग को बुझाया। इस दौरान कार्यक्रम में सीसीआर कर्मी, सीपीओ कर्मियों एवं एसओजी मौजूद रहे। काशीपुर विद्युत विभाग द्वारा लगातार विद्युत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिस दौरान काशीपुर कोतवाली क्षेत्र ग्राम प्रतापपुर से व्यक्ति को विद्युत विभाग की टीम ने विद्युत चोरी करते हुए पकड़ लिया। साथ ही पकड़े गए व्यक्ति के विरुद्ध विद्युत अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। काशीपुर नगर निगम टीम द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण अभियान चलाया, जिसकी शुरुआत नगर निगम से मेन मार्केट, महाराणा प्रताप चौक और रतन सिनेमा रोड से हुई। वहीं सभी दुकानदारों को चालान कर हिदायत देकर छोड़ा गया। जिस दौरान काशीपुर सहायक नगर आयुक्त यशवीर राठी, एसएसआई प्रदीप मिश्रा और एसआई कबीर कांबोज सहित समस्त नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। माननीय उच्च न्यायालय के जैसे निर्देश हैं, निर्देशों के क्रम में हमारी जो चालानी कार्रवाई है या अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है, ये लगातार चलती रहेगी। अब पहला प्रयास ये होगा कि हम कोई विरोध की स्थिति में ना आए, किसी को जबरदस्ती ना करें, उनको डोर टू डोर जा करके, सोप टू सोप जा करके हम समझाने का काम कर रहे हैं, ताकि वो समझ जाएँ और अपनी हद में रहें, हमारी नाली, सड़क या अन्य स्थान को वो ना उस पर कब्जा करें। और यदि फिर भी कोई दुकानदार या कोई व्यवसायी नहीं मानता, तब उसके ऊपर जो है हम तोड़फोड़ की कार्रवाई भी करेंगे और साथ में जो उसको खर्चा आएगा उसकी धनराशि भी उनसे वसूल की जाएगी, और ताकि हम माननीय उच्च न्यायालय को उसका इसमें जवाब दे सकें और जनता को सुविधा दे सकें। काशीपुर क्षेत्र में हो रही भारी बारिश से लगातार जलभराव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज सुबह भारी बारिश के कारण मेन मार्केट, रतन सिनेमा रोड, महेशपुरा पुलिया और जसपुर बस अड्डे पर भारी जलभराव देखने को मिला। इसी के साथ लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
काशीपुर उपजिलाधिकारी कार्यालय में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि काशीपुर में जल भराव की समस्या एवं ढेला नदी द्वारा ध्वस्त हुए मकानों को उचित मुआवजा दिया जाने व उनका निराकरण किया जाने की बात कही गई है। साथ ही इस समय शहर गंदगी की चपेट में है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है, ये बात भी रखी गई है। इस दौरान जसपुर विधायक आदेश चौहान, महानगर अध्यक्ष मुशरफ हुसैन, पूर्व महानगर अध्यक्ष सुमित चहगल, पूर्व विधायक प्रत्याशी एनसी बाबा, पीसीसी सदस्य इंदुमान और कांग्रेस युवा नेता अब्दुल कादिर सहित समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। और जो अहेतुक चेक देते हैं 2500 ये जल भराव की समस्या से कब तक काशीपुर के लोगों को निजात या नगर निगम दिला सकेगा, हम आपके माध्यम से जरा ये मालूम करना है। जी, इसमें आज एक माननीय विधायक जी जसपुर के डेलीगेशन में एक पूरी टीम आई थी। उन्होंने जो यहाँ काशीपुर के नगर निगम क्षेत्र में जल भरा हो रहा है और जो ढेला नदी के द्वारा जो है बेत वाला क्षेत्र, सरवरखेड़ा और ढेला बस्ती के आसपास जो कटान हो रहा है, इसको लेके एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें जो मेन समस्याएँ बताई गई हैं, एक तो पिचिंग के कार्य के लिए बताया गया है कि पिचिंग होनी चाहिए। जहाँ जहाँ ढेला किनारे लोग रहते हैं, जिनके खेत हैं, वहाँ लोगों को नुकसान हो रहा है। और दूसरा, जो शहर में जल भराव होने की वजह से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, इसको लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। और कुछ कुछ पॉइंट बताए इन्होंने जहाँ पर कचरा इकट्ठा हो जाता है और जिसके वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाती है, तो ये सारी समस्याएँ आज रखी गई हैं। जी सर, तलीहार सफाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं। हाँ जी, ये क्या ये नॉलेज में लाया गया आज कि जो बरसात के पहले सफाई होनी चाहिए, वो सफाई नहीं हुई है मानक के अनुसार, या जो भी जितनी हमारी नालियों की क्षमता है उस हिसाब से उसमें पानी की निकासी नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें जो मलबा है वो जमा हुआ है। इसको लेके फिर आगे दिखाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। जो समस्या बन रही है इसका निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम द्वारा SDM साहब का एक ज्ञापन दिया है और उसमें हमने मांग की है कि बरसात के कारण जो ढेला नदी के बहाव से हिंदू और मुसलमान भाइयों के इतने मकान ढह गए हैं, उन मकानों को अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है, क्या कारण है, मुख्यमंत्री के कानों में आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हम ये जानना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि जल भराव काशीपुर की आज की समस्या नहीं है। काशीपुर की समस्या ये बरसों पुरानी समस्या है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं, लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि काशीपुर में कोई भी किसी तरह का विकास नहीं हो रहा, बल्कि विनाश की ओर धकेला जा रहा है। जल भराव की समस्या का हम लोगों से चाहते हैं कि बिल्कुल स्थायी तौर पर काशीपुर शहर को इसकी समस्याओं से निजात मिले, ताकि काशीपुर में गरीब, मजदूर, मजलूम, हर व्यापारी वर्ग जिनके दुकानों में पानी भर जाता है, उनको इस समस्या से निजात मिल सके। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। अपनों को करीब लाए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। जनपद रामसिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ TC द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु अभियान में कोतवाली पुलिस ने 5 नशेड़ियों को शहर के बीचों बीच पॉश इलाकों से गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 100 ग्राम अवैध चरस भी बरामद की गई। पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय समक्ष पेश किया है। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागलन चैनल के साथ। धन्यवाद।